ले, इसको सेब खिला। जी माँ जी, ले बेटा, थोड़ा सा बेटा। देखा माँ जी, ये कुछ भी नहीं खा पी रहा। तेरे को कितनी बार बोला है, थोड़ा सा दूध दही वगैरह खिलाया कर, अब इसे जा अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आ। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होती हूँ और इसको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मैं आपको एक दवाई देती हूँ। जी ये दिन में 3 बार देनी है, 2-2 चम्मच। जी डॉक्टर साहब, इसकी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, इसको बाहर का कुछ नहीं खाने देना और दूध दिन में 2 बार देना है। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा, दिन में 2 बार दूध पीना है। डॉक्टर साहब ये दूध बिल्कुल नहीं पीता। अरे दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, पियोगे ना दूध? हाँ जी। पक्का? बीबी दूध ले लो जी। आई भैया। भैया कल से हम आधा लीटर दूध ज्यादा लेंगे। ठीक है जी। और ये तुम्हारा दूध इतना पतला क्यों होता है? कल से शिकायत नहीं आएगा जी। अच्छा तो अच्छा दूध दिया करो। हाँ जी। ले बेटा दूध पियो। मम्मा नहीं। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा था, रोज दूध पीना है। गुड बॉय, चलो चलो। मम्मा अच्छा नहीं है। नहीं नहीं कोई नखरा नहीं, सारा फिनिश कर दो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा मेरा बेबी। शाबाश। लेकिन मम्मी अच्छा नहीं था। लेकिन अब हमने रोज दूध पीना है, समझ आई? दादी ये देखो, बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा लग रहा है। आज खुशू दादी के साथ खेल रहा है। चलो बेटा दूध पियो। मैंने नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रही है और दूध पीने के बाद उल्टी जैसा फील होता है। देखो माँ जी, अब तो मैं इसको रोज खाने पीने को अच्छा देती हूँ, रोज दूध नहीं देती हूँ, बाहर का भी कुछ खाने पीने को नहीं देती, लेकिन फिर भी इसके पेट में दर्द रहता है। अब तो डॉक्टर भी बदल के देख लिया, पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। और क्या माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं ना सब्जी लेने जा रही हूँ, साथ में पता करके आती हूँ किसी डॉक्टर से, क्या पता कोई टेस्ट ही करवाना पड़े। जाते समय जरा न्यूज लगा दे। जी माँ जी। इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में भारी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद किया गया है। हमारे देश में मिलावटी दूध की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जबकि खपत 68 करोड़ लीटर है, तो जाहिर सी बात है कि यह मांग मिलावटी दूध से पूरी होती है। अगर मिलावटी दूध का कारोबार यूं ही चलता रहा तो भारतीय घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। माँ जी मैं अभी होकर आती हूँ मार्केट से। वक्त की बड़ी खबर है कि जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर नकली दूध तैयार किया जा रहा था, भारी मात्रा में जहां पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा नकली दूध को बरामद किया गया है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमें फोन पे सूचित किया गया था कि यहां मिलावटी दूध बहुत बनता है, हमने रेड मारी यहां हमें भारी भरकम मात्रा में बनावटी दूध मिला, और जो चीजें बीच में मिलाई जाती है, स्टार्च हो गया, सरफ, रिफाइंड, यूरिया मिलाते हैं, और सभी चीजें हमने बरामद कर ली है। जी मैम क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए खाने पीने के सामान में मिलावट करके बेचना एक कानूनी अपराध है। खाद्य सुरक्षा विमानिक अधिनियम 2006 के सेक्शन 57 के अनुसार मिलावटी खाद्य सामान बेचने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और IPC के सेक्शन 272 और 273 के अंतर्गत पुलिस मिलावट खोरों पे सीधा एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। ये तभी संभव हो सकता है अगर आप मिलावट खोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके, क्योंकि शुद्ध भोजन खाना हम सबका मानवीय अधिकार है।